नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 32 को लेके, जो कि करीब 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब देखिए, ये जो वीडियो होगा ये होगा ग्रैंड लीग स्पेशल, यानी कि ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको कैसे रेडी करने हैं, जो ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड पिक्स बन सकते हैं वो कौन से प्लेयर बन सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बन सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यानी कि ग्रैंड लीग को टोटली हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो लोग ग्रैंड लीग को ज्यादा फोकस करते हैं, जो कॉम्बिनेशंस बना के ग्रैंड लीग में जीतना चाहते हैं, आई थिंक मुझे लगता है वीडियो बहुत स्पेशल होगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक तो टॉस के बाद वहां पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, जिस टीम के साथ मैं खेलता हूं वो सेम टीम आपको मिल जाएगी, और आगे की जो भी फर्दर रिपोर्ट्स आती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कुछ ट्रम्प पिक्स को लेके बात करते हैं, फिर बनाएंगे कॉम्बिनेशंस और ट्रम्प पिक्स का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करेंगे ना, तो ऋषभ पंत आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रम्प पिक्स नहीं है, मैक्सिमम टू मिलेंगे। यहां से पहली जो मेरी ट्रम्प पिक्स रहेगी वो जितेश शर्मा रहेगी। दोस्तों, जितेश शर्मा जो कि आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, अब तक जितनी भी बार इस बंदे को बैटिंग का मौका मिला है, इसने प्रूफ किया है कि हाँ, यस ही कैन बैट ऑल्सो। एंड जो इन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन है, जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है बहुत बढ़िया शानदार प्लेयर है, 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं। और अगर यहां पे पीबीकेएस की टीम थोड़ा सा भी कॉलैब करती है तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे जितेश शर्मा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। बाकी टीम शेफर्ड यहां पे खेलते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी बन सकते हैं। सिमरन सिंह लास्ट मैच में खेले, बट आई थिंक मुझे लगता है इस मैच में खेलेंगे नहीं, जो मयंक अग्रवाल है वो वापसी करने वाले हैं। यहां से हो गया जितेश शर्मा। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे, बैटिंग सेक्शन में देखिएगा, यहां से जो आपके ट्रम्प पिक्स रहेगी वो एक तो यहां पे शाहरुख खान, अगेन आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर पंजाब की टीम कोलैब करती है तो वहां पे क्या हो सकता है ना कि जितेश शर्मा और शाहरुख खान, यहां से आपके लिए कोई ड्रीम टीम के लिए काफी बढ़िया प्लेयर निकल के आ सकता है। हालांकि जितेश शर्मा की जिस तरीके की मैंने बैटिंग देखी है, मुझे काफी बढ़िया प्लेयर लगे, दैट्स व्हाई इट्स काफी इंपॉर्टेंट है, शाहरुख खान भी एक प्लेयर है। बाकी यहां से रोहमन पोवेल, आई थिंक मुझे लगता है मुझे कमेंट ही नहीं करना चाहिए कि डिफरेंशियल रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी तक जो सीजन रहा है, अगर ऐसा ही नहीं है कि यार 5-10 रन कर रहे हैं, रन ही नहीं कर रहे, तो देख लेना, एक आधा टीम में ट्राई करो, कर सकते हो। बाकी यहां से दोस्तों जोनी बेस्टो यहां से आप देखिएगा, सिलेक्शन वैसे ज्यादा नहीं है क्योंकि 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए अपने आप को। शायद जो ओपनिंग प्लेयर रहता है, जब ओपनिंग करने के लिए आते हैं T20 में, तो ज्यादा अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं, अभी वन डाउन आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है प्लेयर शानदार है और यहां पे स्कोरिंग निकलनी चाहिए जोनी बेस्टो के बैट से, तो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे। उसके अलावा यहां से आप लोग देखोगे तो कोई वैसे खास है नहीं, यहां पे सरफराज खान के खेलने के चांसेस, अगर खेल जाए तो एक आधा टीम है, बाकी बैटिंग सिलेक्शन मुझे लगता है सरफराज का भी काफी नीचे चला जाएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंड सेक्शन में यहाँ पे ऑडेन स्मिथ सिलेक्शन, ऑडेन स्मिथ का भी कमी है और बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों दे रहे हैं, और जहां तक ऐसी पॉसिबिलिटीज की भाई सामने गेंदबाज काफी बढ़िया है, तो वहां पे अगर पंजाब की टीम थोड़ा सा कोलैप करती है, अगर पीबीकेएस की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो जहां तक मुझे लगता है ऑडेन स्मिथ की बैटिंग आनी चाहिए। तो अगर आपको 20-25 रन बैटिंग से प्लस एक पॉइंट आपको एक विकेट निकाल के देते तो आपकी ड्रीम टीम आ सकते हैं, तो ऑडेन स्मिथ यहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया पिक बन सकते। उसके अलावा यहां से देखोगे शार्दुल ठाकुर एक प्लेयर है जो कि आपको डेथ में गेंदबाजी प्लस आपको बैटिंग दे रहे हैं। ललित यादव, दोस्तों देखिएगा, ललित यादव आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब दिल्ली की टीम कोलैब करेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि सामने वाली टीम में वैसे लेफ्ट हैंडी प्लेयर है, शिखर धवन है, आई थिंक मुझे लगता है शिखर धवन ही है, तो वहां पर शायद एक आधा ओवर कट जाए क्योंकि विकेट निकाली है लास्ट के 2-3 मैचेस में ललित यादव ने, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, यह आपकी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, डिफरेंशियल रहेंगे। एक दोस्तों अक्षर पटेल की मैं बात करता हूं, ये प्लेयर मुझे काफी शानदार लगते हैं, अक्षर पटेल, अभी तक अक्षर पटेल का सीजन कुछ खास नहीं रहा, बट
बट जब आप अक्षर पटेल को अभी तक के मैचेस में अगर आपने अक्षर पटेल को देखा होगा तो अक्षर पटेल ने हालांकि बॉलिंग से कुछ खास नहीं किया बट अक्षर पटेल ने आपको कुछ ना कुछ पॉइंट है वो बैटिंग से जरूर दिए, एक विकेट के जितने आपको है वो पॉइंट बैटिंग से जरूर दिए। तो क्यों ना आप एक प्रॉपर गेंदबाज के साथ जा रहे हो, इससे बेटर आप अक्षर पटेल के साथ जाओ कि अगर वो एक विकेट निकाल रहा है कम से कम ये अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो 20-25 पॉइंट आपको बैटिंग से करके दे रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये एक ऑप्शन रहेंगे। बाकी मिचेल मार्श है ना, या ऐसे कोई खेलेगा नहीं। बॉलिंग सेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो यहां से जो आपके लिए निकलेगी वो पिक निकलेगी भाई खलील अहमद। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर पहले बॉलिंग कर जाए तो आई थिंक मुझे लगता है वहां पे खलील अहमद है वो, जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो विकेट साथ लग सकती है। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, स्पेशली अगर दिल्ली की टीम जब पहले बॉलिंग करेगी तो आई थिंक मुझे लगता है वहां पे मुस्तफिजुर रहमान है वो आपको 2-3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो ये एक दोस्तों ये अर्शदीप सिंह है, सेम चीज यही बोलूंगा कि अर्शदीप सिंह जब देखिए जब पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करती है, अरे ऐसे ऐसे करता है, जब पहले बॉलिंग करती है ना तो क्या होता है ना कि अर्शदीप सिंह डेथ में आ जाते हैं। जब पंजाब की टीम सेकंड इनिंग्स में डिफेंड कर रही होती है उस वक्त क्या होता है कि ओडन स्मिथ का ओवर डेथ के लिए रखा जाता है। सो ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, बट ये है पहले बॉलिंग में अर्शदीप सिंह यहां से इंपोर्टेंट रहेंगे। बाकी यहां से वैभव अरोड़ा आपके लिए एक ऑप्शन बनते हैं, अगर आप लोग लेना चाहो तो वैभव अरोड़ा के साथ जा सकते हो। ये आप लोग देख सकते हैं ये आज की टीम के सबसे बेस्ट ट्रम्प पिक्स प्लेयर बन सकते हैं। यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, कब कब यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। ये भी देखेगा स्पेशली ज्यादा इंपोर्टेंट दिल्ली की पहली बैटिंग में होंगे, ये ज्यादा इंपोर्टेंट पंजाब की पहली बैटिंग में होंगे। उसके अलावा यहां से इनको तो आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हो, इसको भी पंजाब की पहली बैटिंग में ले सकते हो, दोनों भी कंडीशन में ले सकते हो। अर्शदीप सिंह पहले बॉलिंग में आप ले सकते हो, मुस्तफिजुर रहमान को पहले बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, ज्यादा चांसेस है जो कि मैंने आपको बताए, बाकी आप किसी भी कंडीशन में आप इनका ट्राई कर सकते हो। अब देखिए अब टीम कैसे बनानी है आपको, चलिए फिर इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको टीम कैसे बनानी है। चलिए यहां पे क्या करते हैं, ये देखो अब टीम बनानी है। लेकिन देखिए अगर आप लोग टीम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग इजीली ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, कम कंपटीशन के साथ जीतना चाहते हो, तो दोस्तों माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे रोज आपको 1 करोड़ का फर्स्ट प्राइज मिल रहा है। कंपटीशन एक तरफ आपको 80-90 लाख टीमों को बीट करना पड़ता है, माई 11 सर्कल पे केवल 11-12 लाख टीमों को बीट करना पड़ रहा है। तो कंपटीशन आप खुद देख सकते हो, आपको इजीली जीतना है तो माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डाउनलोड करोगे 1500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहां से कम पैसों में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। माय 11 सर्कल टीम आपको टोस्ट के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिए माय 11 सर्कल को। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब देखिए यहां पे मान के चलिए कि दिल्ली की टीम है वो पहले बैटिंग कर रही है। अब दिल्ली की टीम जब पहले बैटिंग करेगी भाई तो पृथ्वी शो और डेविड वार्नर है जो कि ओपन करेंगे। उसके अलावा यहां से बॉलिंग सेक्शन में रबाड़ा और जो यहां पे वैभव अरोड़ा है वो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। अब देखिए जब आप टीम बनाएंगे कैसे, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक टीम बना के दिखा रहा हूं कि आपको कॉम्बिनेशन बनाने कैसे हैं। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस टीम से ग्रैंड लीग जीत जाएंगे, बस समझ लेना कि टीम कैसे बनानी है, फिर आप अंदाजा लग जाएगा और आप बेस्ट टीम बना पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सकता हूं, आई एम नो टीम प्रोवाइडर। मैं वैसे नहीं बोलता कि आपको रोजाना करोड़ों रुपए जिता के ऐसे में फालतू क्या है वो लड़े मारने वाला नहीं हूं। मैं जो चीज है वो मुंह पे कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। जो झूठी लड़े मारते हैं, झूठे आपसे वादे किए जाते हैं कि ऐसा वैसा, उनसे बेटर ही नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। यही मैं आपसे आपको बोल सकता हूं कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी है वो मुझे ज्यादा लेक्चर में नहीं दूंगा, बट आप समझदार है, जो समझदार है वो समझ जाते हैं। अब देखो यहां से ये पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं और ये पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखो जब आप इन दोनों को लेके जा रहे हो ना, तो आई थिंक मुझे लगता है आप रबाड़ा के साथ जा सकते हो, वैभव अरोड़ा को डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हो। अगर एक को लेके जा रहे हो फिर भी आप वैभव अरोड़ा को ड्रॉप कर सकते हो, यहां पे रबाड़ा को ले सकते हो, रबाड़ा जो कि आपको पावर प्ले में प्लस आपको डेथ में गेंदबाजी देते हैं। अब देखिए यहां से रबाड़ा और जो डेविड वार्नर का मैचअप है वो भाई बहुत डेंजर रहा है। डेविड वार्नर ने स्ट्रगल किया है, डेविड वार्नर ने जोफ्रा आर्चर के सामने, रबाड़ा के सामने स्ट्रगल किया है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ये तो
तो पहले एक ही टीम से खेलते थे तो शायद अभी ज्यादा मैचअप्स नहीं है, बट प्रॉब्लम इससे भी होगी, प्रॉब्लम इससे भी होगी, यानी कि विकेट जाने के चांसेस बनते हैं पावर प्ले में। तो पावर प्ले में अगर विकेट जाने के चांसेस बन रहे हैं, अगर एक कॉम्बिनेशन आप ऐसा बना रही हो कि भाई एक विकेट गिर रहा है तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से इसको कट मारूंगा और इन दोनों को लेके जाऊंगा, और एक टीम में क्या करूंगा इसको भी कट मारूंगा और इनको दोनों को लेके जाऊंगा। यहां पे मैंने क्या किया डायरेक्टली, यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से वैभव भाई साहब को बाहर कर दिया और यहां से डेविड भाई साहब को बाहर कर दिया। वन डाउन बैटिंग, वन डाउन देखिए आज मिचेल मार्श है नहीं तो यहां पर आपके पास आएंगे आड़ा टेढ़ा पड़के मारने वाले शॉट्स ऋषभ पंत, ऋषभ पंत आएंगे। अब आपको लग रहा है कि भाई ऋषभ पंत और जो पृथ्वी शो के बीच थोड़ी सी साझेदारी बनेगी, यानी कि 8-9 ओवर तक इतने रन आपको दे जाएंगे कि ये ड्रीम टीम में आ जाए, या फिर आपको लगता है कि तुरंत विकेट जाएगा तो फिर तो आप डायरेक्ट दोनों को ड्रॉप कर ही सकते हो। अब अगर ये होता है तो फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए भाई आते हैं लियाम लिविंगस्टोन, कभी कभी गेंदबाजी करते हैं ऑडेन स्मिथ करते हैं, इसके अलावा यहां से गेंदबाजी कौन करते हैं, यहां से गेंदबाजी करते हैं यहां पे क्या नाम है ऑडेन स्मिथ करते हैं और दीपक चैर राहुल चैर करते हैं, ये राहुल चैर ये गेंदबाजी करते हैं मिडिल ओवर्स में, ये चीज आपको पता है। अर्शदीप सिंह भी कर लेते हैं, बट यहां से अगर ये मिडिल ओवर्स में कर रहे हैं, इनके बीच साझेदारी हो रही है, अगर इनके बीच साझेदारी हो रही है तो वहां पे अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि भाई इनमें से एक ही आउट होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा, जैसे कि नेक्स्ट प्लेयर कौन हो सकता है, नेक्स्ट प्लेयर मान लीजिए कि आप कर सकते हो कि भाई सरफराज खान खेलते हैं, सरफराज खान हो सकते हैं, या फिर आपके लिए रोमन पोवेल हो सकते हैं, कभी कभी ललित यादव को भी भेजा जाता है कि यार ये हो गया, चलो रोमन पोवेल को मान के चलते हैं, रोमन पोवेल हो गए। अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि एक ही विकेट जाएगा फिर इन दोनों के बीच, या फिर इन दोनों के बीच साझेदारी होगी, तो आई थिंक मुझे लगता है उस वक्त आप लोग राहुल चहर को ड्रॉप कर सकते हो, राहुल चहर को ड्रॉप कर सकते हो। बट यहां पर रोमन पोवेल की कुछ खास अभी तक रही नहीं है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि वहां पर इस कंडीशन में कि भाई एक विकेट जाएगा मिडिल ओवर्स में और तुरंत आते ही रोमन पोवेल भी जल्दी आउट हो जाएंगे और राहुल चहर ये कारनामा कर सकते हैं, तो फिर आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऑडेन स्मिथ को ड्रॉप करके किसके साथ आ सकते हो, अर्शदीप सिंह के साथ। जी हां, आप लोग ऑडेन स्मिथ को है वो डायरेक्ट ड्रॉप करके किसके साथ आ सकते हो, अर्शदीप सिंह के साथ, जो कि आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे। और जब पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करती है तो अर्शदीप सिंह डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, तो ये तीन आपके लिए प्लेयर हो गए गेंदबाज। और ये आप यहां से रोमन पोवेल को ड्रॉप करेंगे भाई, यहां से क्या किया रोमन पोवेल को ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह पे आप किसको ले सकते हैं, उसकी जगह पे भाई आप ले सकते हो यहां से, उसके बाद सरफराज खान यही आएंगे, चलो ललित यादव को ले लेते हैं, या फिर आप सीधा सीधा अक्षर पटेल को भी ले सकते हो, या सीधा सीधा डायरेक्ट आप अक्षर पटेल को भी ले सकते हो। ये हो गए, अब गेंदबाजी की बात करते हैं। अब देखो पंजाब की तरफ से कौन बैटिंग करेगा, पंजाब की तरफ से यहां से कौन आएगा, शिखर धवन और मयंक अग्रवाल, ये दोनों ओपन करेंगे। शुरुआत में गेंदबाजी यहां से किससे होगी, शुरुआत में मुस्तफिजुर रहमान, और यहां से कौन आएंगे, यहां से आएंगे कहां गया शार्दुल ठाकुर। अब देखिए ये दोनों ही इंपोर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अब देखिए भाई ऐसा लग रहा है कि देखिए दोनों का ही अगर आप पंजाब के सामने देखो दिल्ली के सामने देखोगे ना, तो दोनों का ही अभी तक एवरेज काफी बढ़िया रहा है। तो जैसा कि मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूं, तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे आप इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर सकते हो। अब शार्दुल ठाकुर का क्या है कि दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है तो आपको 20-25 पॉइंट है वो बैटिंग से भी दे सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दूंगा, अगर एनिक नोर्जिया खेल जाए तो वो आप कंडीशन वाइज अगर खेलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, यहां पे दोनों ओपनर्स आ गए और यहां से कौन आ गया, यहां से शार्दुल ठाकुर आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास नो प्लेयर हो गए। अब नो प्लेयर में देखिए आपको अगला प्लेयर एक और लेना है, अगले प्लेयर में एक और में क्या ले सकते हो, जोनी बेस्टो और लियाम लिविंगस्टोन। अब देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई जोनी बेस्टो भी स्कोरिंग करेगा, अगर आपको लग रहा है कि इस जो चेजिंग के दौरान लिविंगस्टोन और जोनी बेस्टो का दोनों का है वो कुछ ना कुछ योगदान होगा कि भाई मान लीजिए दिल्ली की टीम 160 रन बना रही है और ये दोनों है वो 40-40, 45-45 रन बना के आउट हो जाते हैं, तो बाकी भी काफी रन बचते हैं, 40-40 रन वो भी कर सकते हैं। तो एक चीज आप ये भी कर सकते हो भाई, एक चीज आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप
जॉनी बेस्टो और लियाम लिविंगस्टोन इन दोनों के साथ जा सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे आपके पास जो दिल्ली का गेंदबाज है वो केवल एक ही रह जाएगा और हमें विकेट गिराने हैं दो। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप जॉनी बेस्टो और जो यहाँ पे क्या नाम है जॉनी बेस्टो और जो क्या नाम है लिविंगस्टोन है, या तो आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके या से क्या कर सकते हो अक्षर पटेल ले सकते हो। दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके अक्षर पटेल ले सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप यहां से ललित यादव को ड्रॉप कर सकते हो और ललित यादव को ड्रॉप करके आप अक्षर पटेल को ले सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास दो गेंदबाज आ गए, प्लस अगर दिल्ली की पहले बैटिंग जा रही है और अगर यहां पे विकेट्स गिर रही है तो आई थिंक मुझे लगता है लास्ट में जाके हर मैच में जैसा कि आपको है वो 20-20, 25-25 रन करके दे रहे हैं तो वो स्कोरिंग भी हो जाएगी, विकेट के लिए आपके पास गेंद भी आ गए और यहां पे ये चार हो गए। इससे अगर आप लोग चाहो तो फिर लिविंगस्टोन को ड्रॉप करके आप सीधा जितेश शर्मा के साथ भी जा सकते हो और अर्शदीप सिंह की जगह पर यहां पर आप लोग ऑडेन स्मिथ को ले सकते हो। अर्शदीप सिंह की जगह पर ऑडेन स्मिथ को ले सकते हो। यह कॉम्बिनेशन जब पंजाब की टीम पहले बैटिंग करे तो पंजाब में थोड़ा सा ऑडेन स्मिथ को आप वहां पर एंटर कर सकते हो एज ए ऑलराउंडर की अगर कोलैब करती है तो वहां पर अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर का जो रोल है वो ऑडेन स्मिथ है वो वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस तरीके से आप वहां पे कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर टीम बनाओगे एक एक प्लेयर को लेके टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट अगर सोच के थोड़ा सा भी माइंड का यूज करके टीमें बनाओगे तो आई थिंक मुझे लगता है बेटर रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूं। बाकी कॉपी पेस्ट में किसी को पैसा नहीं देना, सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब आपको लूट रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं देना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है, वहां पर आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और बाय 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए, जितना इजी है इसलिए आपको बोल रहा हूं। बाकी अगर कहीं में आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।